इस दुनिया में पेड़ पौधों की कई सारी प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही खतरनाक पौधे हैं और कुछ तो बहुत ही अनोखे पौधे हैं, जिनको के लेकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही आपको खतरनाक और अनोखे पौधों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़, फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोज़ भी इस चैनल पर हमेशा आपके लिए लाते रहता हूँ। नंबर वन, निरफन ट्री। दोस्तों, इस पेड़ का फल किसी फल की तरह नहीं बल्कि किसी लड़की की तरह दिखता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये पेड़ थाईलैंड में पाया जाता है। इस पेड़ के बारे में कई सारे मान्यताएं भी हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग हिसाब से पेड़ की मान्यता बताते हैं। दरअसल इस पेड़ के फल हूबहू किसी लड़की के नंगे शरीर के तरह होते हैं। कुदरत के इस अनोखे करिश्मे को देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है। नंबर टू, विनस फ्लाइट रेप। दरअसल ये पौधा दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा है। ये पौधा न केवल कीड़े मकोड़ों को बल्कि इंसानी अंगुलियों को भी अपने बस में कर लेता है। ये पौधा इंसान की अंगुलियों को इतनी जोर से दबाता है कि उंगलियों से खून निकलने लगते हैं। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि इस पौधे ने इंसान के अंगुलियों को भी दबा रखा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक मक्खी इस पौधे के ऊपर में आती है तो उस मक्खी को ये पौधा अपने कैद में ले लेता है। ये खाता वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ अपने जकड़ में रख लेता है, जो कि आप देख ही सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पौधा सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को ही पकड़ता है तो आप गलत हो। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे इस पौधे ने बड़े से मेंढक को भी अपने कैद में ले लिया है। और आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पौधा है ये सिर्फ अपने जकड़ में ही लेता है किसी भी कीड़े मकोड़े को, या फिर इंसानी उंगलियों को भी अपने जकड़ में कर लेता है। नंबर थ्री, ब्लिंडिंग हार्ट। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले ये फूल ज़्यादातर सॉर्पिया, नॉर्थ चाइना, कोरिया और जापान में पाए जाते हैं। इस फूल की आकार हार्ट यानी कि दिल के आकार का होता है और नीचे की तरफ एक छोटी सी पूंछ की तरह होते हैं, इसलिए इस फूल को ब्लिंडिंग हार्ट कहा जाता है। ये फूल मार्च महीने से लेकर अक्टूबर तक खिलता है। इसकी बाहर की पंखुड़ियाँ चमकीले और गुलाबी रंग के होते हैं और अंदर की भाग सफ़ेद होते हैं। इसे लेडी इन बाथ भी कहा जाता है। इतना खूबसूरत होने के कारण आज बहुत लोग इसे घर में भी उगाते हैं। नंबर फोर, बैलरीना ऑर्किड। ये फूल काफ़ी छोटे आकार का होता है और मकड़ी की तरह दिखाई देते हैं, जिसके लिए इसे लोग स्पाइडर और किट के नाम से भी जानते हैं। ये फूल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये फूल ज्यादातर क्रीम और मैरून कलर का होता है। इसके बीच का हिस्सा पर्पल कलर का होता है। दूर से देखने पर लगता है कि कोई लड़की नाच रही है, इसके लिए इसे बैलरीना का नाम दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग ये फूल है। नंबर फाइव, पैरोट फ्लावर। इस फूल को ज़्यादातर थाईलैंड, बर्मा और भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये फूल पर्पल और रेड कलर का होता है। इस फूल को पहली बार बर्मा में खोजा गया था। अगर इस फूल को दूर से देखा जाए तो उड़ती हुई पैरोट की तरह लगते हैं, जिसके लिए इसे ये नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग ये फूल है और दिखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये फूल। नंबर सिक्स, सोडल्ड बेबीज। ये फूल ज़्यादातर पेरू और चिली में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सोते हुए छोटे बच्चे के जैसे दिखाई देते हैं। ये दिखने में सुंदर होने के साथ साथ इसका खुशबू भी जबरदस्त सुंदर होता है और ये फूल ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में उगते हैं। इस फूल को आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर और प्यारे लगते हैं। नंबर सेवन, हुकर लिप्स। ये फूल ज़्यादातर सेंट्रल और साउथ अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वैसे तो इस फूल का असली नाम साइसोट्रिया इलाइट है, लेकिन लोग इसे हुकर लिप्स के नाम से भी जानते हैं। ये फूल बिल्कुल लाल रंग का होता है। दिखने में ये किसी महिला के होठों की तरह दिखते हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि कितना ये भी अमेजिंग फूल है। नंबर एट, नेकेड मैन ऑर्किड। इसे ज़्यादातर लोग इटालियन ऑर्किड या नेकेड मैन ऑर्किड के नाम से जानते हैं। इटली में पाए जाने वाले इस ऑर्किड की कई प्रकार की प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद हैं। इसके इस अजीब नाम होने के पीछे कारण है क्योंकि इसकी पंखुड़ियां एक नंगे आदमी की तरह दिखाई देते हैं। ये फूल ज़्यादातर चमकीले गुलाबी और सफ़ेद रंग के होते हैं, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोज़ भी इस चैनल पर हमेशा आपके लिए लाते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।